अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं पाकिस्तान से और आप देख रहे हैं सलमान स्पोर्ट्स यूट्यूब चैनल। चैंपियन ट्रॉफी 2025 जिसका भाई साहब जी घंटा बजने वाला है और जो पाकिस्तान में ख्वाब दिखाए जा रहे हैं कि चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान में होगी, इंडिया की टीम पाकिस्तान आएगी, ग्राउंड्स के काम यहां पर कंप्लीट हो चुके हैं, तो ये जो सपने पाकिस्तान में चैंपियन ट्रॉफी के वो भाई साहब जी अब टूटने वाले हैं, क्योंकि आपको पता है, सबको पता है, इंडिया की टीम कंफर्म है कि पाकिस्तान नहीं आएगी, क्योंकि बीसीसीआई अभी से नहीं, बीसीसीआई शुरू से कह रहा है कि इंडिया की टीम पाकिस्तान नहीं जाएगी और ये सबको पता है, लेकिन पाकिस्तान में कुछ घंटे हैं और ये बीसीसीआई है जो इंडिया को धमकी लगाना कि इंडिया नहीं आएगी तो हम 26 का वर्ल्ड कप खेलने नहीं आएंगे। इंडिया ओ घंटों तुम्हारे खिलाड़ी $25 में तो बिक जाते हैं, तो पीसीबी को भाई साहब जी कुछ पैसे दे दिए जाएंगे और इन्होंने ऐसे भाई साहब जी वर्ल्ड कप में आना है खेलने जैसे कोई सवाब का काम होता है। तो ये सबको पता है बीसी यहाँ पर पीसीबी का किस तरह का बोर्ड है ये भाई साहब जी, जहां इनको पैसे नजर आ जाए 2-4 रुपए इन्होंने उनके पीछे भागना है। तो ये बात तो कंफर्म हो चुकी है, इंडिया की टीम पाकिस्तान नहीं आएगी चैंपियन ट्रॉफी खेलने, और ये जो पीसीबी भाई साहब लगे हुए कि हमने ग्राउंड्स बना लिए हैं, हमारे ग्राउंड्स की तैयारी मुकम्मल हो, भाई जब भी काम ग्राउंड में करना था जैसे हमारे ग्राउंड्स थे तो इनमें ये काम तब भी होना था और ये काम अब हो चुका है, तो इसके अंदर कोई बड़ी बात नहीं कि पाकिस्तान में चैंपियन ट्रॉफी कराओ। तो भाई साहब जी सीधी सी बात है, आईसीसी ने ये कंफर्म कर लिया है, यूएसए को को होस्ट बना दिया है चैंपियन ट्रॉफी का, इंडिया के मैचेस और जो दूसरी टीमें यहां पर पाकिस्तान आने से मना कर रही है उनके मैचेस यहां पर यूएई में होंगे और जो बाकी मैचेस हैं वो पाकिस्तान में होंगे, यानी कि हाइब्रिड मॉडल के मुताबिक ये चैंपियन ट्रॉफी भाई साहब जी अब खेली जाएगी। देखो जी अब आईसीसी की मीटिंग होने जा रही है कोलंबो के अंदर, श्रीलंका के अंदर, और उसके अंदर फाइनल हो जाएगा जो मैं आपको अभी बता रहा हूं कि चैंपियन ट्रॉफी हाइब्रिड मॉडल के मुताबिक होगी या पूरी के पूरी चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान में नहीं होगी या हाइब्रिड मॉडल के मुताबिक होगी, इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। ये जो पाकिस्तान में ऑप्शन बनाई जा रही है कि इंडिया की टीम को आउट कर श्रीलंका को एड करने के, वो घंटा बन जाएगा तुम्हारा, अपने अब्बू को बाहर करोगे, इंडिया की टीम को बाहर करोगे, तो ये पॉसिबल नहीं है। आईसीसी ने भाई साहब जी ये फैसला कर लिया है, एक्शन लिया है पाकिस्तान के क्रिकेट बोर्ड पर, भिखारी पीसीबी के ऊपर कि आप लोग इंडिया को निकालने के सोच रहे हो, घंटों हम आपसे पूरी चैंपियन ट्रॉफी ले लेंगे, अभी जो आपको कुछ मैचेस हम दे रहे हैं जैसे एशिया कप के अंदर ये था, वरना आपसे एक मैच भी हम नहीं कराएंगे, जो आपने ग्राउंड्स की तैयारियां की है उसका आपका मजाक बन के रह जाएगा। तो ये आईसीसी ने पीसीबी को बड़ी धमकी दी है और ये कहा है कि आप चुप रहो, जो हम कहेंगे, जो बीसीसीआई कहेगा वही माना जाएगा, पीसीबी की इसमें कोई बात नहीं मानी जाएगी, क्योंकि भाई साहब जी पीसीबी के पास कुछ है ही नहीं। अब देखो जो बीसीसीआई चाहेगा, चाहे वो अपने मैच श्रीलंका में खेले, चाहे वो भाई साहब जी यूएसए के अंदर खेले, जहां खेलेगा आईसीसी ने वो कंफर्म कर दिया है, इंडिया को जो है जहां दिल करे वहां पर इंडिया अपने मैचेस खेल सकता है, इसके अंदर कोई दोराय नहीं है कि पाकिस्तान में सारे मैचेस होंगे, क्योंकि अब पाकिस्तान पूरी चैंपियन ट्रॉफी करा भी नहीं सकता भाई साहब जी, 2-4 हमारे पास ग्राउंड है उनके अंदर हम अपने मैचेस पूरी चैंपियन ट्रॉफी करानी इम्पॉसिबल है, पॉसिबल है ही नहीं। आप इंडिया के ग्राउंड देख लो, कितने ग्राउंड्स है इंडिया के पास डिजर्व करता है वो इवेंट कराना आईसीसी के, पाकिस्तान में आप लोग देख लो 28 साल बाद यहाँ पर कोई चैंपियन ट्रॉफी हो रही है, कोई आईसीसी इवेंट हो रहा है, तो ऐसे में पाकिस्तान के अंदर भाई साहब जी क्रिकेट का बहाल होना ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान चाहता है इंडिया की टीम आ जाए और हमारी जो क्रिकेट है वो बहाल हो जाए, तो ये पाकिस्तान का सपना ही रह जाएगा। और अब पाकिस्तान में ना भाई साहब जी रोना धोना शुरू है, क्योंकि अभी ये ऑफिशियली अनाउंस नहीं है और जब ये ऑफिशियली अनाउंस हो जाएगा तो आप फिर सोचो कितना रोना धोना पाकिस्तान में लगेगा, क्योंकि अब चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान में नहीं होगी, कंफर्म हो चुका है, दीवार पर लिख दिया गया है कि हाइब्रिड मॉडल के मुताबिक चैंपियन ट्रॉफी 2025 होने जा रही है। अब इसकी वजह रीजन बता दो, क्यों आईसीसी की मीटिंग होगी जिसके अंदर तमाम क्रिकेट बोर्ड यहां पर जो है शमूलियत करेंगे और मीटिंग के अंदर आएंगे और उसके अंदर ये फैसला हो जाएगा, क्योंकि इंडिया अपनी बात पर टिका रहेगा, और अगर पीसीबी ने इसमें कुछ भाई साहब जी हलचल की कि इंडिया की टीम नहीं आ रही, हम तो होस्ट हैं, तो पीसीबी भाई साहब जी पाकिस्तान को ही बाहर कर देगा। अगर पीसीबी ने कुछ ज्यादा ही इसमें भाई साहब जी आवाज बुलंद की अपनी,
तो आपको पता है आईसीसी में किसकी चलती है, पावर किसकी है और भिखारी पीसीबी कौन है। तो आपको भाई साहब जी सब पता है। तो आप लोगों ने भाई साहब जी जो पाकिस्तानी क्रिकेट फैन है, कुछ हैं जो चाहते हैं कि इंडिया, मैं भी भाई साहब क्रिकेट फैन चाहता हूं कि पाकिस्तान के अंदर इंडिया की टीम आए। विराट कोहली, रोहित शर्मा भाई साहब जी, इनको हम अपनी आंखों से देखना चाहते हैं पाकिस्तान में। लेकिन पाकिस्तान भाई साहब जी अपनी हरकतों की वजह से ये चैंपियन ट्रॉफी पूरी नहीं करा रहा, जो साफ सीधी बात है पाकिस्तान की अपनी गलती है, पीसीबी की अपनी गलती है, खिलाड़ियों की अपनी गलती है। बदनाम पाकिस्तान खुद हुआ है, खुद पाकिस्तान पाकिस्तान का दुश्मन है। तो आप फिर भाई साहब जी क्यों कहते होगा हर चैंपियन ट्रॉफी हमने इस तरह से करानी है। ये जो पाकिस्तान को सपने दिखाए जा रहे हैं चैंपियन ट्रॉफी के, ये तो भाई साहब जी टूटने वाले हैं। और मैं तो यही कहूंगा कि पाकिस्तानियों को, जो भी हमारे भाई साहब जी हैं ये घंटे फैन जो ख्वाब लगाए बैठे कि इंडिया की टीम आएगी, भाई साहब ये रोना धोना है वो अभी स्टार्ट कर दो, या जो ये ऑफिशियली अनाउंस हो जाएगा या जब रोना धोना स्टार्ट करना है। क्योंकि चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान में पूरी नहीं होगी, हाइब्रिड मॉडल के मुताबिक होगी, या पूरी चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान से भाई साहब जी बाहर जाने वाली है। क्योंकि इंडिया की टीम कंफर्म है कि पाकिस्तान नहीं आएगी, ना इंडिया की गवर्नमेंट इजाजत दे रही है, ना बीसीसीआई इजाजत देगा, ना उनके क्रिकेट फैन इजाजत देंगे, और ना ही इंडियन टीम चाहेगी कि हम पाकिस्तान में जाए, जहां भाई साहब जी कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, वहां पर जाना सेफ बिल्कुल भी नहीं है। जैसा कि हरभजन सिंह ने भाई साहब जी कहा, पाकिस्तान को इंडिया के लिए पाकिस्तान नहीं आएगी, आप हमारी इंडिया के लिए पाकिस्तान के बिना रह सकते, आप अपनी टीम को भाई साहब इंडिया के बिना चला सकते हो तो चला लो, ये हरभजन सिंह का कहना था। क्योंकि वहां के एक्स क्रिकेटर भी नहीं चाहते इंडिया के इंडिया की टीम पाकिस्तान जाए। तो इंडिया की टीम पाकिस्तान नहीं आएगी, कंफर्म हो चुका है, दीवार पर लिख दिया गया है कि इंडिया की टीम पाकिस्तान ट्रैवल नहीं कर रही, इंडिया नॉट ट्रैवल चैंपियन ट्रॉफी 2025 कंफर्म हो चुका है, जिसका ऑफिशियली जो है भाई साहब जी फैसला वो भी जल्द से जल्द यहाँ पर अनाउंस होने जा रहा है, आईसीसी की मीटिंग होने जा रही है, उसके अंदर ये कंफर्म हो जाएगा कि चैंपियन ट्रॉफी तो भाई साहब जी पाकिस्तान में नहीं होगी। तो चैंपियन ट्रॉफी 2025 पाकिस्तान में नहीं होने जा रही। आपको दोबारा से बताता चलूं, आईसीसी ने एक्शन लिया है पीसीबी पर, और जो बीसीसीआई की बात है वही मानी जाएगी, चाहे बीसीसीआई अपनी टीम को भाई साहब जी यूएसए में मैच खिलाए, चाहे श्रीलंका में या अब और किसी स्टेडियम में, किसी भी स्टेडियम में खिलाए, उस पर आईसीसी रजामंद रहेगा। पीसीबी को कुछ मैचेस दे दिए जाएंगे हाइब्रिड मॉडल के मुताबिक, और जो बात रहेगी सेमीफाइनल और फाइनल की, वो जो भाई सुनियो होगा, अगर इंडिया टीम सेमीफाइनल में जाती है तो भाई साहब जी वो मैच भी यहां पर जो इंडिया हाइब्रिड मॉडल के मुताबिक रखना चाहेगा, ये दो च्वाइस होगी, सेमीफाइनल और फाइनल, ये दो स्टेडियम की च्वाइस होगी। अगर इंडिया की टीम सेमीफाइनल में आती है तो चैंपियन ट्रॉफी के जो सेमीफाइनल होगा वो यहां पर को होस्ट कंट्री करेगी, चाहे वो श्रीलंका हो, यूएसए, और सेम ऐसे फाइनल भी अगर इंडिया पहुंचती है। तो ये सारा सिनोरियो होगा। यहां पर काफी लोग बात कर रहे थे कि चैंपियन ट्रॉफी हाइब्रिड मॉडल हो ही नहीं सकती, ट्रैवल यहां पर इशू होंगे, भाई साहब जी कोई इशू नहीं होगा, कोई भी इशू नहीं होगा, मैं भी यहां पर और आप भी यहां पर, आप लोग देखना आईसीसी की मीटिंग होगी उसमें कंफर्म हो जाएगा, चाहे इसमें ना हो, जो भी मीटिंग होगी भाई साहब जी, जो भी नतीजा होगा, जो भी फैसला होगा, यही होगा कि पाकिस्तान इंडिया नहीं आएगी, ये तो कंफर्म हो चुका है, 100% कंफर्म हो चुका है, 1% चांस है कि पीसीबी हाथ पैर पकड़ ले बीसीसीआई के और माफी यहां पर मांगे कि प्लीज आ जाओ, तो फिर हो सकता है आई जाए, वरना इम्पॉसिबल भाई साहब जी, आ ही नहीं सकती पाकिस्तान के अंदर इंडिया की टीम। तो ये सबको पता है, क्योंकि वहां के इंडियन फैन हो गए और यहाँ का भाई साहब जी इंडियन की गवर्नमेंट हो गई, कोई भी इजाजत नहीं देगा कि पाकिस्तान इंडिया की टीम ट्रेवल करे, क्योंकि भाई साहब जी सिक्योरिटी रीजन है और भी काफी ज्यादा रीजन, में आपको क्या ही बताऊं कि पाकिस्तान में इस वक्त क्या चल रहा है। तो सबको भाई साहब जी पता है, जब दूसरी ये टीमें देखते हैं, जिस तरह इंडिया ने यहाँ पर आने से मना किया, दूसरी टीमें देखते हैं, ऑस्ट्रेलिया की तरफ से खबर आई उन्होंने नहीं आना, अफगानिस्तान की तरफ से, इसके अलावा बांग्लादेश की तरफ से, तो दूसरे बोर्ड भी आप देखते हैं कि बोर्ड नहीं आ रही, तो हम किस तरह से वहां पर सेव है। तो आप लोगों ने बताया चैंपियन ट्रॉफी 2025 के बारे में कमेंट्स में लाजिम बताना है कि इंडिया की टीम को पाकिस्तान आना चाहिए या नहीं, उसके बारे में लाजिम बताना। वीडियो चले वीडियो को लाइक कर देना, एंड चैनल दो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और घंटा भी दबा देना। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो, तब तक लिए अल्लाह हाफिज़।